नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइव। हिंदी सिनेमा में अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रह चुके निहार पांड्या आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान खान के साथ फिल्म मेरी गोल्ड और मणिकर्णिका से अपने करियर की शुरुआत करने वाले निहार पांड्या दीपिका पादुकोण और गौहर खान जैसी एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। जी हाँ, इसकी सुर्खियां लगातार सामने आई थी। आज मैं अपनी पत्नी नीति मोहन और अपने नन्हे बेटे आर्यवीर के साथ अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। नीति ने बॉलीवुड में कई मशहूर गाने गाए हैं और उनकी बहन शक्ति मोहन भी फेमस कोरियोग्राफर है। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निहार पांड्या दीपिका पादुकोण के बॉयफ्रेंड लिस्ट में आते हैं। जी हाँ, फिल्मों में स्ट्रगल पीरियड के दौरान दीपिका निहार को डेट कर रही थी। मुंबई में अपना करियर बनाने आई दीपिका की मुलाकात निहार से हुई थी और तभी से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। निहार और दीपिका लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम की लीड हीरोइन बनते ही दीपिका ने निहार से दूरी बना ली थी। जब निहार की शादी नीति मोहन से होने वाली थी, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह नहीं चाहते कि शादी के दिन न्यूज हेडलाइंस में ये चर्चा रहे कि दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है, क्योंकि वह अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि दीपिका को लेकर उनके मन में कोई शिकायत या कड़वाहट नहीं है और वह उन्हें एक सफल शादी की शुभकामनाएं देते हैं। निहार का नाम गौहर खान से भी जुड़ चुका है, लेकिन गौहर के बिग बॉस के घर में जाने से पहले ही दोनों ने ब्रेकअप कर दिया था। इसके बाद निहार ने मशहूर गायिका नीति मोहन को करीब 4 सालों तक डेट किया और उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। तब से कपल अपनी कंप्लीट फैमिली को बखूबी एंजॉय कर रहा है। निहार और नीति ने 15 फरवरी 2019 को हैदराबाद के होटल फिल्मनुमा पैलेस से बड़ी धूमधाम से शादी रचाई थी, जिसकी तस्वीरें कई दिनों तक सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। नीति मोहन और निहार पांड्या पिछले साल ही माता पिता बने हैं। नीति और निहार ने अपने नन्हे से राजकुमार का नाम आर्यवीर रखा है। निहार ने अपने बच्चे की पहली झलक इंस्टाग्राम पर शेयर भी की और लिखा, मेरी खूबसूरत पत्नी मुझे अपने छोटे बच्चे को वह सब सिखाने का मौका दे रही है जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया। वह हर दिन मेरी जिंदगी में प्यार फैला रही है। मैं अपने परिवार, डॉक्टर्स, दोस्तों और सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमेशा प्यार और साथ दिया। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।